आज का हमारा लेक्चर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया के ऊपर है, जो कि जब से स्टार्ट हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कंसीडर करना, और 2020 तक मतलब 2020 तक जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में थोड़ा से डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। तो इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का देखें तभी तक टोटल 39 जो है कि 2020 तक टोटल 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके पहले हम उस लिस्ट को पढ़ने के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता कैसे है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, ठीक है, यूएन की एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी है जिसको यूनेस्को बोलते हैं, और ये यूनेस्को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट को नॉमिनेट करती है। मतलब कहाँ से किस कंट्री से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से साल में ऐड होगा उसको नॉमिनेट करती है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। मतलब यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज जो यूनेस्को का जो कैपिटल है जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, पेरिस में फ्रांस के अंदर में है। तो इसको देखे यूनेस्को जो एडमिनिस्टर किया जाता है इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसमें टोटल 21 मेंबर है। तो मतलब यूनेस्को साइट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेट करने के लिए जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी में टोटल 21 मेंबर हैं, और इन टोटल 21 मेंबर को जो इलेक्ट करने वाला होता है बॉडी वो यूएन जनरल असेंबली। मतलब यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करके 21 मेंबर्स को यूनेस्को का जो कमेटी है उसमें भेजती है, और वो लोग किस कंट्री से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आएगा इसको ये लोग कंसीडर करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो कल्चरल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये स्टार्ट हुआ था आफ्टर द 1972 में एक जो कन्वेंशन होता है जिसमें ये उठता है कि जो कुछ कल्चरल साइट्स हैं, जो कुछ मतलब कि साइंटिफिक साइट्स हैं, जो कुछ मतलब नेचुरल साइट्स हैं, ठीक है, इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इनके लिए फिर ये जो है कि यूनेस्को निकल के आया और ये इसके अंदर जो है साइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और एक स्पेशल दर्जा दिया जाता है। तो क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, तो क्राइटेरिया जो बेस्ड है वो यूनेस्को का जो कन्वेंशन हुआ था 1972 में उसी के बेस पे है, लेकिन इसका क्राइटेरिया जो है वो हर साल चेंज होता रहता है। मतलब कि बेस्ड ऑन द देयर लोगों के इंटरेस्ट के बेस पे कैसे हेरिटेज साइट्स को पसंद करते हैं लोग, कहाँ पे मतलब टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, तो इसके बेस पे क्राइटेरिया टाइम पे चेंज होता रहता है। तो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट मतलब कि एक साल पहले यूनेस्को साइट जब किसी कंट्री का नॉमिनेट होता है उसके पहले वो उस कंट्री के द्वारा एक लिस्ट भेजी जाती है, कि एक साल पहले ही भेजी जाती है लिस्ट कि उस उनके कंट्री में क्या क्या ऐसे प्लेसेस हैं जो कि काफ़ी उनका इम्पोर्टेंस है, उनका काफ़ी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो उस जो टेंटेटिव लिस्ट है फिर उनको उसी को रीएग्जामिन किया जाता है, फिर से रिसबमिट किया जाता है एवरी 10 ईयर्स में जो टेंटेटिव लिस्ट होता है, और उसी में से फिर नॉमिनेट जो टेंटेटिव लिस्ट दिया गया है, सपोज इसमें 40 साइट्स दिए गए हैं, तो इन्हीं 40 साइट्स में से जिसको अब नॉमिनेट करवाना है यूनेस्को साइट में फिर उसको नॉमिनेट किया जाता है। इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर देखें तो टोटल 2020 तक टोटल 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें जो है 31 कल्चरल है, 7 जो है नेचुरल साइट है, और 1 मिक्स्ड है। मतलब मिक्स्ड का मतलब जिसमें कल्चरल नेचुरल सारी चीज़ें आ जाएगी उसको मिक्स्ड बोलते हैं, और सबसे लास्ट जो ऐड किया गया है वो 2019 में जयपुर को ऐड किया गया है जो 29th है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिया गया था इंडिया से वो आगरा फोर्ट को और अजंता केव को, जो कि 1983 में, ठीक है। तो कन्वेंशन कब हुआ था, कन्वेंशन 1972 में हुआ था, और इंडिया से फर्स्ट हेरिटेज साइट में जाने वाले दो जो साइट्स हैं वो आगरा फोर्ट और अजंता केव था। 2016 में 3 ऐड किए गए थे, हम रिसेंट वाला थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि रिसेंट वाला पूछने का ज़्यादा चांसेस होता है। अगर इसमें सपोज 3-4 स्टेटमेंट देके पूछ लिया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर एक भी पता है तो भी कभी कभी इलिमिनेशन मेथड से उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो 2016 में जो ऐड किया गया था नालंदा महावीर जो यूनिवर्सिटी है, कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, ठीक है, और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है, तो इन तीनों को ऐड किया गया था 2016 में। 2017 में फिर ऐड किया गया था अहमदाबाद सिटी को, बिकम द इंडिया फर्स्ट सिटी टू लिस्टेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। 2007 में इंडिया का कोई ऐसा सिटी शहर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था।
2018 में ऐड किया गया विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई लिस्टेड इन 37th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और फिर कुंभ मेला को ऐड किया गया था। इंडिया में वल्ली एक ही प्लेस है जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है, जो कि मिक्स्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। करेंटली अगर हम देखें तो 42 से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 42 जो साइट्स हैं वो टेंटेटिव लिस्ट में हैं, मतलब ये यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में भेजे गए हुए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है वो रिकमेंड करती है, मतलब कि हर साल एक नॉमिनेट करती है यूनेस्को के साइट का, मतलब टेंटेटिव लिस्ट तो भेज देते हैं कि हमारे यहाँ ये प्लेस है, उसके बाद हर साल जो है किसको देना है यूनेस्को साइट का दर्जा ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है रिकमेंड करती है, ठीक है। अब हम लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है इंडिया से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो कल्चरल साइट्स में देखें तो कल्चरल साइट्स इंडिया में 37 ऐसे साइट्स हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आते हैं। पहला है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो है कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर अजंता केव, अजंता केव महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। एलोरा केव भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश में, हर कोई जानता है कि आगरा में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, ये काफ़ी न्यूज में था, ठीक है। चाइना का जो प्रेसिडेंट यहाँ पे आया था, तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है। सन टेम्पल कोणार्क, सन टेम्पल ये पूरी उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद चर्च एंड कन्वेंट्स ऑफ द गोवा, ये गोवा में है, नाम से ही पता चलता है। और फतेहपुर सिकरी ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जिसको गुजरात पे विजय पाने के उपलक्ष्य जो है बनवाया गया था। ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट एट द हम्पी जो कि कर्नाटका में है ये, ठीक है। ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट एट द हम्पी, हम्पी कर्नाटका में है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में है। एलिफेंटा केव जो है ये महाराष्ट्र में है, मतलब कि मुंबई से थोड़ा सा तटीय इलाके से दूर हटके है ये। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, चोला टेम्पल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट द पट्टाडाकल, पट्टाडाकल ये जो कहाँ पे है, कर्नाटका में है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट द सांची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांची का स्तूप, ठीक है, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद फिर आता है हुमायूं टॉम, हुमायूं टॉम कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है, जो हुमायूं का के मरने के बाद बनवाया गया था उनकी वाइफ के द्वारा। कुतुब मीनार मॉन्यूमेंट जो है वो कुतुब मीनार दिल्ली में है, जो कि तीन लोगों के द्वारा, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया हुआ था, फिर उनके जो इल्तुतमिश थे उसको पूरा कंस्ट्रक्ट कराया था। फिर मॉन्यूमेंट्स, रेलवे ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड द कालका शिमला रेलवे, मतलब इंडिया से तीन ऐसे रेलवे हैं जो कि हिल एरिया पे चलते हैं। एक तो दार्जिलिंग वाला जो हिमालय वाला जो रीजन है वहाँ पे, और दूसरा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ठीक है, तीसरा कालका शिमला रेलवे। तो अभी कालका शिमला जो रेलवे को रिसेंटली ऐड किया गया है इसमें, तो अभी अगर या तो इंडिविजुअली पूछ सकता है कि इन तीनों में से कौन सा है, या तीनों है, या कौन सा करेक्ट है इस तरीके से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो दार्जिलिंग हिमालयन वाला रीजन है हिमाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद सिक्किम और तमिलनाडु वाले रीजन में ये तीनों मिलते हैं, ठीक है, तीनों नहीं मिलते, मतलब जो ये नीलगिरी माउंटेन वाला रीजन है ये तमिलनाडु में मिलता है, और उसके बाद कालका शिमला वाला जो रीजन है ये हिमाचल प्रदेश में मिलता है, और दार्जिलिंग वाला जो रीजन है ये सिक्किम के पास में मिलता है, ठीक है। फिर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट द बोधगया पे देखें तो ये कहाँ पे है, ये बिहार में है, बोधगया, ठीक है। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ये गलत लिखा गया है, तो ये बिहार नहीं, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद आता है कि चंपानर पावगर आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। चंपानर जो पढ़े हुए हैं हम, जो गांधी जहाँ से आंदोलन शुरू किए थे चंपानर में, वो गुजरात में है। नेक्स्ट आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस, सॉरी ये अलग है, ये चंपारण वो नहीं है जहाँ गांधी जी स्टार्ट किए थे अपना जो है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनल, ये कहाँ पे, मुंबई में है। ये विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको चेंज करके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इसको रख दिया गया। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये दिल्ली में है, लाल किला, ठीक है। जंतर मंतर जो है राजस्थान का जो है उसमें उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। हिल फोर्ट्स ऑफ द राजस्थान, हिल फोर्ट्स ऑफ द राजस्थान में जैसे कि चित्तौड़गढ़ हो गया है ना, कुम्हलार हो गया, उसके बाद रणथंभौर हो गया, गरगोन हो गया, अंबर फोर्ट और जैसलमेर वाला जो फोर्ट हो गया, तो ये जो फोर्ट वाला एरिया है, मतलब जो किला है, तो यहाँ पे राजस्थान में बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे राजपूत, जिनके द्वारा बनवाया गया हुआ था फोर्ट, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, ये सारे राजस्थान में हैं। फिर रानी की वह पतन, ये गुजरात में है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। कैपिटल बिल्डिंग
कॉम्प्लेक्स द आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ द ली कॉर्बूजियर, ये जो है चंडीगढ़ में है, इसको कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को मिला हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द नालंदा महावीर, नालंदा यूनिवर्सिटी भी जिसको बोलते हैं, बिहार में है, इसको मिला हुआ है। और उसके बाद कुंभ मेला को मिला था, कुंभ मेला जो कि अभी प्रयाग मतलब कि बोला गया इलाहाबाद को जो नेम चेंज किया गया है, यहाँ पर मिलता है, कुंभ मेला इलाहाबाद का है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ द अहमदाबाद को जो है गुजरात में है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, इसको भी मिला हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। फिर पिंक सिटी जयपुर, ये सबसे रिसेंट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेचुरल हेरिटेज साइट अगर इंडिया में देखें तो ये 31 जो थे वो कल्चरल हेरिटेज साइट थे। नेचुरल हेरिटेज साइट में टोटल जो है 7 हैं, तो 7 में कौन कौन से है उसको देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, फिर आता है नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, वेस्टर्न घाट जो है केरला कर्नाटका तमिलनाडु और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। ग्रेट हिमालयन नेशनल कंजर्वेशन एरिया जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ था। टोटल नेचुरल साइट्स में अगर देखें तो टोटल 7 हैं। फिर हम मिक्स्ड हेरिटेज साइट अगर इंडिया में देखें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है, एक ही ऐसा नेशनल पार्क है जो मिक्स्ड नेशनल पार्क है, और इसको मतलब पूछा भी गया है हुआ है यूपीएससी में, और इसको पूछे जाने का भी चांस है। ये टोटल 2020 तक जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में है यूनेस्को के द्वारा, ये उस पर लेक्चर था, और इस साल पूछे जाने का काफ़ी चांस है क्योंकि जो जयपुर सिटी है उसको इसमें डाला गया है, तो आफ्टर द अहमदाबाद सिटी के बाद जयपुर सिटी सेकेंड सिटी बनता है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है।